हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप पटेल है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि मास्टर इमेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये मेरा विंडोज 7 है, मैंने विंडोज 7 इंस्टॉल कर लिया है। और इसके लिए मिनिमम सर्विस पैक 1 होना चाहिए, तो ये मैंने सर्विस पैक 1 भी डाल दिया है। अब ये इसका ISO मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं जेन डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ। अब ये देखिए, ये जो दो तरह का होता है, ठीक है, वर्चुअल डिलीवरी एजेंट फॉर विंडोज सर्वर एंड वर्चुअल डिलीवरी एजेंट फॉर विंडोज डेस्कटॉप OS। तो जो भी आपका OS रहेगा, अगर सर्वर है तो ये सेलेक्टेड ये रहेगा, इनेबल रहेगा। अगर डेस्कटॉप है तो ये इनेबल रहेगा। आप डेस्कटॉप में सर्वर का नहीं कर सकते हो, सर्वर में डेस्कटॉप का नहीं कर सकते। ये देखिए, इसमें ये इनेबल आएगा डेस्कटॉप वाला, क्योंकि मेरा विंडोज 7 है तो डेस्कटॉप का इनेबल रहेगा। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो ये इंस्टॉलेशन शुरू करेगा। अब ये देखिए, यहाँ पे क्रिएट अ मास्टर इमेज, इनेबल रिमोट PC एक्सेस। तो अगर आप PBS यूज कर रहे हो, मशीन क्रिएशन सर्विस यूज कर रहे हो, तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, मास्टर इमेज बनाना है। और अगर आपका ये कोई फिजिकल PC या सिंगल PC है, जिसके थ्रू जिसको आप MCS में यूज करने वाले नहीं हो, PBS में यूज नहीं करने वाले, तो आप ये कर सकते हो, इनेबल रिमोट PC एक्सेस। ठीक है, ये देखिए, सेलेक्ट दिस ऑप्शन टू इंस्टॉल वर्चुअल डिलीवरी एजेंट ऑन टू आदर फिजिकल मशीन और ए वर्चुअल मशीन दैट हैज बीन प्रोविजन विदाउट VDA, जो कि बिना VDA के प्रोविजन कर रहे हैं। तो चूंकि मैं अभी मशीन क्रिएशन सर्विस भी यूज करूंगा और PBS भी यूज करूंगा, तो अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट अ मास्टर इमेज और नेक्स्ट। अब ये देखिए क्या है, इंस्टॉल द वर्चुअल डिलीवरी एजेंट फॉर HDX प्रो। तो अगर आपको HDX करना है कि नहीं करना है, उसके लिए आपको जो भी हार्डवेयर वगैरह सब होना चाहिए। तो जो भी आप सेलेक्ट करोगे, आपका जैसा जो भी रिक्वायरमेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। तो चूंकि मुझे HDX 3 नहीं चाहिए, ठीक है, 3D Pro वगैरह ये सब नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं स्टैंडर्ड ही इंस्टॉल करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। वर्चुअल डिलीवरी ये देखिए रिक्वायर्ड बता रहा, ये ऑटोमेटिक जो भी रहेगा, कोर कंपोनेंट है, नेक्स्ट करिए। अब ये देखिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे DDC इंटर करना है, आपका डिलीवरी कंट्रोलर क्या है। तो डू इट मैनुअली, चूज द लोकेशन फ्रॉम एक्टिव डायरेक्टरी, लेट मशीन क्रिएशन सर्विसेज डू इट। तो इन ऑप्शन में जो भी रखना है, आप वो ऑप्शन रख सकते हो एक्टिव डायरेक्टरी से। आप ये देख, ठीक है, तो जो भी आपको करना है, आप यहाँ यहाँ कर सकते हो मशीन क्रिएशन सर्विसेज, जो भी आपको रखना है। तो मैं इसको मैनुअली कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। और कनेक्शन टेस्ट करता हूँ, ये देखिए कनेक्ट हो गया, कम्युनिकेट कर लिया। मैं ऐड कर देता हूँ। तो आपके जितने भी डिलीवरी कंट्रोलर रहेंगे, आप उनका सबका एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो मेरा एक डिलीवरी कंट्रोलर, मैं इसलिए एक कर रहा हूँ। नेक्स्ट। अब ये फीचर, जो भी आपको जो जो फीचर है वो रखना है। आपको पर्सनल VDs आप इनेबल करना चाहते हो, नहीं करना चाहते। अगर आप पर्सनल VDs यूज कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ये इनेबल रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने लैब में पर्सनल VDs नहीं यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको इनेबल नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट ही जाने देता हूँ। ये पोर्ट वगैरह सब दिखा रहा आपको, कि फायरवॉल वगैरह सब ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा, कि आपको मैनुअली करना है, फायरवॉल रूल वगैरह मैनुअली क्रिएट करना है। तो मैं मैनुअली क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट ही ले रहा हूँ। ये हो गया, अभी ये सब, ये समरी है, ये चीज़ आपने सेलेक्ट किया है, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपको लगता नहीं कुछ चेंज करना है, तो बैक आके चेंज कर सकते हो और इंस्टॉल। हेलो दोस्तों, हाँ, तो ये देखिए, ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अभी इसको फिनिश करते हैं और मशीन को रिस्टार्ट करेंगे, ताकि जो भी चेंजेज है तो वो अप्लाई हो जाए। तो रिस्टार्ट, फिनिश एंड रिस्टार्ट। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया।
जैसा आपने देखा कि वीडी एजेंट जो है तो वो दो सर्वर के लिए अगर है जो भी ओएस है वो डिटेक्ट करेगा, वो आपको इनेबल दिखाएगा, उसको आप क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है। और मास्टर इमेज आप जब भी पीबीएस और मशीन क्रिएशन सर्विसेज यूज करेंगे तो उस समय लगेगा आपका जो मास्टर इमेज है, इसको गोल्डन इमेज भी बोलते हैं, मास्टर इमेज बोलते हैं, जो भी है। थैंक यू।